मैं सूरे फातिहा को फिर फोकस करा। सूरे फातिहा को अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप वाहिद उम्मत हैं, आपकी उम्मत वाहिद उम्मत है जिसको मैंने ये 7 आयतें दी हैं। बड़ी दिलचस्प बात है, 7 आयतें दी हैं और अल्लाह का बड़ा एहसान और करम, हमें समझाया गया, बताया गया कि सारा दिन में हर नमाज रकत जो है, मुझे याद है 48 रकात हैं जो सारे दिन हम पढ़ते हैं, उनमें हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। क्यों पढ़ी जाती है? जामे मुकम्मल दुआ है कि अल्लाह से मांगना कैसा है। अल्लाह से कैसे मांगना है? सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ें, आपको समझ में आएगा क्या शानदार बात है। उम्मुल किताब है, इस किताब उम्मुल किताब को अल्लाह के रसूल ने उम्मुल शफा भी कहा है। उम्मुल शफा बड़ी हरदंगेज बात है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा जो है उम्मुल शफा है, इसमें हर मर्ज का इलाज है सवाए मौत के। बड़ी दिलचस्प बात है जी, इतना सादा सा फार्मूला मुझे और आपको पता हो कि हर मर्ज का इलाज हमारे पास मौजूद है, लेकिन आज हम खाली हाथ खड़े हैं कि हमें पता ही नहीं, अगर हमें मर्ज का इलाज चाहिए तो सूरह फातिहा अपने बच्चों पर दम कर दें, उनको पानी पिला के दम कर दें तो अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमा देगा। अजीब सी बात नहीं, दिलचस्प बात है कि मेरे नबी ने फरमाया कि उम्मुल शफा है, उम्मुल किताब भी है और सूरह फातिहा भी है। 5-6 नामों से अल्लाह के रसूल ने इसको पुकारा है।